तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे छात्र BA, BSc, BCom, BTech, MTech, ठीक है, किसी भी सत्र के, आपके फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर को, ठीक है, थर्ड ईयर के हो, आप सभी के लिए दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे जो परीक्षा तिथियाँ हैं आपको हम लाइव बताने वाले हैं, आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे PDF में, ठीक है। सभी की एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पे आउट हो चुकी हैं और आज की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट आ रही है और सबसे वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए यूनिवर्सिटी की एग्जाम डेट्स पर आप सभी तक सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट पहुंच पाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप लोग एक काम करना बिल्कुल भी ना भूलें, इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करके शेयर कर देना है हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं इस साल, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे अगले साल तो अधिकतर छात्रों को प्रमोट ही किया गया था और बस थर्ड ईयर वालों के, चाहे आपका BA थर्ड ईयर हो, BCom थर्ड ईयर हो, आपका BTech का, ठीक है, सभी के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पिछली बार हेल्ड हुए थे COVID-19 के कारण। जितने भी आपके जो लास्ट ईयर के पहले वाले सत्र थे सभी में दोस्तों आपको प्रमोशन किया था, BA चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, ठीक है, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, चाहे आपका BCom फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, सभी को प्रमोट किया गया था, बस थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार भी आप लोग जानते होंगे, इस बार भी दोस्तों फिर से ऐसा लगने लगा कि फिर से आप सभी प्रमोशन शायद मिल सकता है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे पहला कारण है कि सत्र आपका देर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सत्र इतनी देर से स्टार्ट हुआ कि अभी तक की छात्रों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। अधिकतर छात्रों को तो अपने पाठ्यक्रम के बारे में ही नहीं पता है कि हम क्या एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले, क्या सिलेबस है, ठीक है। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे तो उनके भी डाउट दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो कमेंट था कि इस बार भी क्या जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ामों में हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा, तो आपको बता दें अभी तक की जब तक ऑफिशियल अपडेट कोई भी ना आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी करते ही रहना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो अभी तक की तो प्रमोशन नहीं मिला है। और सेकंड सवाल था क्या सिलेबस को, जो पाठ्यक्रम है उसको रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो आप लोगों को बता दें हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे BA के हों, BSc के हों, ठीक है, चाहे BCom के हों, चाहे BTech के हों, अभी तक की यहाँ पे आप लोगों को बता दें, आप लोग भी जानते होंगे सत्र देर से स्टार्ट हुआ है, तो एग्ज़ाम डेट ही अभी तक की जब शेड्यूल यहाँ पे जो ऑफिशियल है वो अभी तक की जो निर्धारित किया गया उसके अकॉर्डिंग अभी तक की टाइम मिल सकता है आप सभी को, तो शेड्यूल जो आपका सिलेबस है उसको शायद कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है, उस टाइम तक ही, तो आप सभी जो है सिलेबस भी इस बार जो है कम नहीं किया जाएगा। अब हम एग्ज़ाम डेटों की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को बता दें जितने भी हमारे BA, BSc, BCom के छात्र हैं, ठीक है, अगर आपको मन में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको लोग बता दें आप सभी जो एग्ज़ाम्स हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं, अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 अप्रैल से अपने एग्ज़ाम्स को स्टार्ट करने वाली हैं, ठीक है, तो 1 अप्रैल से आप सभी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अपडेट आएगी आप सभी तक पहुँचाई जाएगी।